खुद को फिट रखने और पर्यावरण को बचाने के लिए भूपेंद्र कठैत, जो कि देहरादून के हाथी बड़कला क्षेत्र के पार्षद हैं, वह अक्सर ही अपना सफ़र साइकिल से तय करते हैं। जी हाँ, वह देहरादून के लोगों को मिसाल देने का काम कर रहे हैं कि अपने आप को फिट रखना है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा साइकिलिंग करें और इसी के साथ ही आप पर्यावरण को भी बचा सकते हैं। कई लोग अपनी फिटनेस को बनाए रखने के लिए कई तरह के प्रयोग करते हैं और कहीं ना कहीं कई लोग ऐसे भी होते हैं कि समाज में खुद की फिटनेस के लिए और पर्यावरण को बचाने के लिए कई तरह के काम करते हैं और मिसाल पेश करते हैं। ऐसे ही हैं देहरादून के हाथी बड़कला क्षेत्र के पार्षद भूपेंद्र कठैत जी। भूपेंद्र जी जो है, आपने देखे होंगे कि नेता बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं, लेकिन भूपेंद्र जी जो है साइकिलिंग करते नज़र आते हैं, यानी ज़्यादातर जो अपना सफ़र है वो साइकिल के माध्यम से ही तय करते हैं। तो सबसे पहले भूपेंद्र जी, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 लोकल में, और आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या है इसके पीछे का राज कि आप साइकिल से ही सफ़र जो है तय करना पसंद करते हैं। देखिए, बचपन से मेरी आदत थी साइकिल से, क्योंकि अब तो खैर गियर वाली साइकिलें आ गई, पहले हीरो, A1, एटलस, ये पुरानी साइकिलें हुआ करती थी। और साइकिल से एक तो शरीर फिट होता है, पर्यावरण को बढ़ावा मिलता है, और दूसरा साइकिल चलाने से आप खुद मजबूत होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, फ्यूचर में आपके शरीर को भी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। क्योंकि आपने देखा होगा आजकल भागम भाग के लाइफ में किसी को अपने शरीर को समय नहीं है देने के लिए। देखिए, भागम भाग हर एक के पास है। आपने देखा होगा बीच में कोरोना में लोग साइकिलिंग इतनी ज़्यादा चलने लगी थी कि लोगों को साइकिल की तरफ भागने लगे, क्योंकि जब उनके गले फंस गई, जब उन्होंने कहा कि व्यायाम जरूरी है, साइकिल से आपके एक्टिविटी आपकी बॉडी को डेवलपमेंट मिल रहा है, तो साइकिल चली और साइकिलें ही बहुत बिकी। कहते हैं कि दिखावा, कि अपना एक सिंबल बना लिया कि मेरे पे ये गाड़ी है तो मैं इसमें जाऊँगा तो लोग मुझे देखेंगे, मुझे बड़ा पैसा वाला मानेंगे या लोग मेरी इज्जत करेंगे, लेकिन उसके दिखावे में अपने शरीर का नुकसान करते हैं। कठैत जी, जैसे कि आपने बहुत अच्छी बात कही, पुराने वक्त की अगर बात करें तो साइकिल ही ज़्यादातर इस्तेमाल हुआ करती थी। युवा जो थे वो, जो कि आज मोटरसाइकिल पर चल रहे हैं, कॉलेजेस में जो है लड़की हो या लड़का हो जो है साइकिल से ही सफ़र किया करते थे, लेकिन जैसे जैसे वक्त बदल रहा है वैसे वैसे हमारे दैनिक जीवन में भी बदलाव देखे जा रहे हैं। आपने जिस तरीके से बोला कि हाँ, लोग बड़ी गाड़ियों में जो है अब आज के टाइम पे एक कंपटीशन बन गया है कि किसके पास कितनी गाड़ियाँ हैं और कितनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, तो जैसे कि आप एक नेता हैं, एक पार्षद है, जो अगर देहरादून की बात करें तो 100 पार्षद हैं, 100 वार्ड हैं देहरादून में और 100 पार्षद हैं, तो जैसे आप चलते होंगे साइकिल में, क्या सोसाइटी का कैसा रिस्पांस होता है आपको देखकर, क्या कहा जाता है कि हाँ एक पार्षद है और साइकिल में सफ़र कर रहा है? देखिए, शरीर मेरा अपना है, मुझे सोसाइटी को नहीं दिखाना है। शरीर मेरा सही रहेगा तभी सोसाइटी मेरे साथ खड़ी होगी। कल अगर मैं 4 दिन बिस्तर पर लेट जाऊँगा तो कोई सोसाइटी वाला नहीं आएगा आपको पूछने कि आप कैसे हो। और मैंने कहा ना आपसे कि देखिए, कंपेयरिंग में आज बच्चों को लोग पिज़्ज़ा, मोमो, चाउमीन, सैंडविच ये खिला रहे हैं, और इनकी तुलना में आप एक गांव के बच्चे को जो रोटी खा रहा है, सब्जी खा रहा है, वो इनसे ज़्यादा स्ट्रांग है रहते हैं। अगर आप सब जागरूक होंगे और सब अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और पैदल साइकिल से इस तरह का पर्यावरण से मोहब्बत कहें, अपने शरीर से मोहब्बत कहें, वो सब सिखाएं, तो आगे देश के लिए भी अच्छा है, अपने लिए भी अच्छा है। तो ये थे हमारे दून के हाथी बड़कला क्षेत्र के पार्षद भूपेंद्र कठैत। स्वस्थ जो व्यक्ति है वो स्वस्थ समाज का विकास करता है, और इसके लिए जो है ज़मीन से जुड़ना ज़रूरी है। खुद को फिट रखने के लिए आप अपनी सेहत का सबसे पहले ध्यान दीजिए, बाकी चीज़ें जो हैं वो बाद में देखी जानी चाहिए। देहरादून से मैं ही नाज़मी, न्यूज़ 18 लोकल के लिए।